Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Today our topic is Continuous Flow Analyzer. Continuous Flow Analyzer एक ऑटो एनालाइजर का टाइप है या ऑटो एनालाइजर का एग्जाम्पल है. ऑटो एनालाइजर्स क्या होते हैं? ऑटो एनालाइजर्स मतलब ऑटो मतलब क्या होता है कि ऐसे एनालाइजर्स, ऐसी मशीन्स जो ऑटोमेटिकली काम करें, खुद अपने आप सारे वर्क करती रहे, मैनुअली काम नहीं होता उसके अंदर, सारे ऑटोमेटिकली मशीन काम करती है. एनालाइजर का मतलब क्या होता है? एनालाइजर उन मशीन को कहा जाता है जो किसी चीज़ को एनालाइज करे, किसी चीज़ को डिटेक्ट करे, किसी चीज़ को फाइंड करे. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास क्या आता है? सैम्पल्स आता है. फिर सैम्पल्स को हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिक जो मशीन्स होती हैं, ऑटो एनालाइजर्स जो होते हैं उसके अंदर उनको रन कराते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का सैम्पल आया, क्रिएटिनिन का आया, प्रोटीन का आया, तो उस प्रोटीन को हमने उस सैम्पल के अंदर डिटेक्ट करना, इस चीज़ को हम बोलते हैं एनालिसिस करना. तो ऑटो एनालाइजर्स का नाम ऑटो एनालाइजर्स क्यों पड़ा? क्योंकि ऑटोमेटिकली काम करता है और एनालिसिस का काम करता है. अब देखिए इसका एक एग्जांपल है हमारा कंटिन्यूस फ्लो एनालाइजर. इसका प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए यहाँ पे होता है एक सैम्पलर. इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सैम्पलर. सैम्पलर मतलब जो भी आपके पास सैम्पल आएगा, जैसे इस टेस्ट ट्यूब में आपने सैम्पल लिया, इस टेस्ट ट्यूब को आप इस सैम्पलर होल्डर के अंदर क्या कर दोगे? इसमें इंसर्ट करके रख दोगे. तो सैम्पलर का क्या काम हुआ कि ये सैम्पल को होल्ड करके रखता है. ये सारे सैम्पल्स आप जितने भी हैं, हंड्रेड्स ऑफ नंबर में आप इसमें सैम्पल्स एक साथ रन करा सकते हो. तो इस सैम्पल को आप क्या कर दोगे? ये जो गैप है इसके अंदर टेस्ट ट्यूब्स को रख दोगे. उसके बाद काम आता है प्रपोर्शनिंग पंप का. ये प्रपोर्शनिंग पंप क्या करता है? ये देखिए यहाँ पे इसमें एक पाइप लगा होता है जो सक करने का काम करता है, खींचने का काम करता है. ठीक है, ये क्या करता है? यहाँ पे इसके अंदर जाता है. जैसे सैम्पल नंबर वन ये है, तो इसके अंदर गया, इसके अंदर सैम्पल को सक किया इसने, फिर ये रोटेट होके घूम कर यहाँ पे आ जाएगा. और ये जो यहाँ पाइप लगा हुआ है इसके अंदर ये इसको रखेगा. ऐसे ये पतले से कुछ पाइप्स होते हैं, काफ़ी पतले से, इसके अंदर रखेगा. ठीक है, देखिए काम कैसे करता है. जैसे ये हमारा प्रपोर्शनिंग पंप है. ठीक है, जैसे ये है प्रपोर्शनिंग पंप, ये मेरा हाथ से बता रही हूँ. यहाँ पे ये सक करने के लिए क्या लगा होता है? पाइप लगा होता है. ये यहाँ पे सैंपल के अंदर जाएगा, इसमें सैंपल लेगा, फिर रोटेट होगा, घूमेगा और इधर यहाँ इस पाइप में रख देगा इसे. तो ये इस टाइप से जितने भी हमें जितना भी अमाउंट चाहिए उस पे हम प्रपोर्शनिंग पंप को सेट कर देते हैं. जैसे हमें 5 माइक्रोलीटर चाहिए और 5 माइक्रोलीटर पे हम उसको सेट कर देंगे, तो यहाँ से सैंपल को लेगा, रोटेट होगा और इस वाले पाइप में यहाँ पे आके रख देगा. ठीक है, फिर देखिए क्या होगा, यहाँ से एक एयर बबल आएगा. ये सैंपल यहाँ से आया. ठीक है, ये सैंपल यहाँ पे इसने रख दिया. जैसे 5 माइक्रोलीटर सैंपल इसने यहाँ पे रख दिया. ये सैंपल थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ये जी यहाँ लिखा है हमने एयर बबल, यहाँ से एक एयर बबल है. यहाँ पे क्या भरी होती है? यहाँ पे एयर भरी होती है. फिर ये सैंपल जैसे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? एक एयर बबल इसके बीच में आ जाएगा. मतलब यहाँ पे क्या जाएगा? एयर बबल आ जाएगा. फिर ये सैंपल थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा, फिर दूसरा सैंपल आएगा, तीसरा सैंपल आएगा, ऐसी करके सारे सैंपल आते जाएंगे. तो देखिए यहाँ पे मेन चीज़ जो है, जैसे ये पहला सैंपल था यहाँ शिफ्ट हो गया. ठीक है, इसके बीच में क्या आ गया? एक एयर बबल आ गया. फिर दूसरा सैंपल इसने यहाँ रखा, फिर इसके बाद में क्या आ गया? एक और एयर बबल आ गया. फिर ये वाला सैंपल थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, इसके बीच में यहाँ क्या आ गया? एक एयर बबल आ गया. फिर ये सैंपल थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? दूसरा एयर बबल आ गया. तो इसमें समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि इसमें हम सैंपल्स को सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं. किसकी हेल्प से? इन एयर बबल्स की हेल्प से. ये जो एयर बबल्स यहाँ पे इनके बीच में आते जाएंगे, जैसे सैंपल क्या होता जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, एक दूसरे से अलग होता जाएगा. ये पेशेंट नंबर वन का सैंपल हुआ, ये दो का, तीन का, चार का, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ सैंपल्स हम लगा सकते हैं. तो यहाँ पे सेपरेशन करने का काम कौन कर रहा है? ये एयर बबल काम कर रहा है. अब देखिए हमने सैंपल तो ले लिया, अब इसके अंदर आपको कलरीमेट्री को रिवाइज करना पड़ेगा. सैंपल के साथ हम कलरीमेट्री में क्या कर रहे थे? सैंपल के साथ किसी रिएजेंट को ऐड कर रहे थे जिससे कलर डेवलप हो रहा था. तो यहाँ पे दूसरा पाइप लगा होता है रिएजेंट का, यहाँ से आते हैं रिएजेंट. सेम वही प्रोसीजर होती है इसके अंदर भी. रिएजेंट किससे? हम यहाँ पे भी एक प्रपोर्शनिंग पंप होता है, उसको हम सेट कर देते हैं कि इतना हमें रिएजेंट चाहिए. इनके बीच में क्या आ जाते हैं? एयर बबल्स आ जाते हैं, जैसे इसके बीच में आ रहे हैं सैंपल के बीच में. ऐसे ही सेम यहाँ पे रिएजेंट्स के बीच में क्या आ जाते हैं? एयर बबल्स आ जाते हैं, जिससे रिएजेंट क्या होता जाता है? सेपरेट होता जाता है. तो दूसरे पाइप से यहाँ से क्या आ रहा है? रिएजेंट आ रहा है. और यहाँ से क्या आ रहा है? सैंपल आ रहा है. तो यहाँ तक का हमें समझ आ गया. अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ बची है वो बची है डाइल्यूएंट. ये डाइल्यूएंट क्या होता है? कई बार हमें पता है कि हमें सैंपल्स को क्या करना पड़ता है? डाइल्यूट करना पड़ता है. अगर किसी सैंपल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उस सैंपल को हमें क्या करना पड़ता है? डाइल्यूट करना पड़ता है. चाहे एनएस मिला के या कोई और चीज़ मिला के हम उसको क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं. तो यहाँ पे डाइल्यूट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा होता है? डाइल्यूएंट मतलब सॉल्यूशन होता है डाइल्यूएंट. उसको अगर आपको डाइल्यूट करना है तो इसको एक्टिव कर देंगे तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? यहाँ से डाइल्यूशन सॉल्यूशन भी यहाँ से ऐड होता जाएगा.
ये इसका वर्क होता है, हमें सैम्पलर वर्क का सैम्पलर का क्या काम होता है समझ आ गया, डाइल्यूएंट का क्या होता है, एयर बबल का क्या यूज़ है, रिएजेंट का क्या यूज़ है और प्रोपोर्शनिंग पंप का क्या यूज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो है डायलाइजर। डायलाइजर का क्या काम होता है, यहाँ पे डायलाइजर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है बीच में। ये क्या काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि हमें एक प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट सॉल्यूशन चाहिए। प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट इसका मतलब क्या है, प्रोटीन से फिल्ट्रेट हुआ हुआ सॉल्यूशन, मतलब उसके उस सैंपल के अंदर कोई प्रोटीन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसी मेम्ब्रेन लगी होगी, यहाँ से जैसे ही सैंपल जाएगा, ये येलो वाला जो सैंपल यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स को तो यहीं रख लेगी और बाकी के सैंपल को आगे भेज देगी। तो इस पोर्शन में प्रोटीन को तो यहीं रख लेगी और बाकी के सैंपल को आगे भेज देगी। तो ये वाला सैंपल अब क्या हुआ, प्रोटीन से फिल्ट्रेट है, प्रोटीन से फ्री है ये एकदम, प्रोटीन सब यहाँ रह गए और बाकी का सैंपल आगे चला गया। ठीक है, तो डायलाइजर का काम समझ आ गया कि ये सेमी परमिएबल होता है, कि जो चीज़ हमें चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज चाहिए, क्रिएटिन जो भी चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ परमिएबिलिटी एडजस्ट कर देते हैं इसकी और आपको सैंपल मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आया, हाँ अब देखिए ये जो दोनों पाइप हैं यहाँ आगे जाके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से सैंपल आ गया, यहाँ से क्या आ गया, रिएजेंट आ गया, दोनों मिक्स हो गए। यहाँ पे देखो एक कलर्ड बन गया कंपाउंड। ठीक है, जैसे हमें पता है हम जनरली जब येलो ब्लू को एक दूसरे मिलाते हैं ग्रीन कलर का कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने यही लिया, येलो सैंपल है, ब्लू आपका क्या है रिएजेंट है, दोनों को मिक्स किया और ग्रीन कलर का क्या बन गया, आपका कलर्ड कंपाउंड बन गया। अब इसके ये है नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट हीटर। हीटर का क्या काम होता है कि हमें पता है कि जब कोई चीज़ रिएक्ट करती है एक दूसरे से तो हमें उसको एक इंक्यूबेशन देना पड़ता है, ऐसी कंडीशंस देनी पड़ती है जिससे रिएजेंट और सैंपल एक दूसरे से मतलब रिएक्ट कर पाए, वो टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये हीटर क्या देता है, एक टेम्परेचर देता है जिससे ये क्या बन पाए, यहाँ पे कलर्ड कंपाउंड मिल पाए, एक इंक्यूबेशन का काम करता है, इंक्यूबेटर जैसा काम करता है, इसको इंक्यूबेशन देता है जिससे यहाँ कलर्ड कंपाउंड बन जाता है। अब यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया है कि हमें कलर कंपाउंड मिल गया। नेक्स्ट हमें पता है कि यहाँ पे कौन डिटेक्टर आ जाएगा, अब यहाँ पे कलरीमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है पूरा। कलरीमेट्री हम अच्छे से डिटेल में जान चुके हैं, कलरीमेट्री का यहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। कलरीमेट्री इसको कलर्ड कंपाउंड के कॉन्सेंट्रेशन को बता देती है और यहाँ रिकॉर्डर होता है जिस पे आपको दिख जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन है जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चीज़ आपने टेस्ट लगाया है वो कितनी अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है कंटिन्यूस फ्लो एनालाइजर का। आप देखिए इसका नाम कंटिन्यूस फ्लो एनालाइजर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू चीज़ फ्लो हो रही है। यहाँ पे सैंपल कंटिन्यू फ्लो होकर आ रहा है, बीच में एयर बबल से सेपरेट हो रहे हैं सारे सैंपल्स, यहाँ भी रिएजेंट सब में फ्लो होकर आ रहा है और रिएजेंट सेपरेट हो रहे हैं एक एयर बबल से, इसलिए इसका नाम पड़ा है कंटिन्यूस फ्लो एनालाइजर, क्योंकि डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। सो ऑटो एनालाइजर्स, ऑटो एनालाइजर इज एनालाइजर दैट यूजेज वेरियस टेक्निक्स एंड परफॉर्म ऑल द टेस्ट प्रोसीजर ऑटोमेटिकली। ऑटो एनालाइजर एक वो एनालाइजर है, एनालाइजर मतलब हम समझ चुके हैं, जो भी काम एनालाइज करने के लिए जो भी मशीन काम करेगी उसे ऑटो एनालाइजर कहेंगे। ऑटो एनालाइजर वो मशीन है जो यूज़ करती है वेरियस टेक्निक, जैसे अभी हमने एक टेक्निक देखी कंटिन्यूस फ्लो एनालाइजर, ये एक टेक्निक है, एंड परफॉर्म करती है बहुत सारे टेस्ट, ऑल द टेस्ट, ऑलमोस्ट ऑल द टेस्ट, सारे हम नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट ऑल द टेस्ट प्रोसीजर्स ऑटोमेटिकली, सारे काम क्या करती है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है। इस टाइप की मशीन्स को हम बोलते हैं ऑटो एनालाइजर्स। इसमें एग्जांपल हम देख चुके हैं कंटिन्यूस फ्लो एनालाइजर का, ये डायग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये पूरा वही डायग्राम है सेम। इन कंटिन्यूस फ्लो एनालाइजर द सैम्पल्स एंड रिएजेंट आर पास सिक्वेंशली थ्रू द सेम एनालिटिकल पाथवे एंड सेपरेटेड बाय द एयर बबल। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूस फ्लो एनालाइजर के अंदर जो सैम्पल्स और रिएजेंट होते हैं वो सिक्वेंशली पास होते हैं, सिक्वेंशली मतलब सीक्वेंस के अंदर पास हो रहे हैं। ये पहला गया यहाँ से पहला रिएजेंट आ जाएगा, दूसरा सैंपल गया दूसरा रिएजेंट आएगा, तीसरा सैंपल गया तीसरा रिएजेंट आ जाएगा, ठीक है। और ये जहाँ मिलते जाएंगे तो पहला सैंपल से पहला रिएजेंट मिलेगा, दूसरे सैंपल से दूसरा रिएजेंट मिलेगा, तो ये सीक्वेंस में जा रहे हैं, ठीक है। थ्रू द सेम एनालिटिकल पाथवे, एक सेम एनालिटिकल पाथवे, ये सेम इनका एनालिटिकल पाथवे है जहाँ पे डिटेक्ट, एनालिटिकल पाथवे किसे बोलेंगे, यहीं पे डिटेक्ट हो रहे हैं, तो यहीं पे ये क्या है, इसका एनालिटिकल पाथवे है। एंड सेपरेटेड बाय द एयर बबल, ये किससे सेपरेट हो रहे हैं, एक एयर बबल से सेपरेट हो रहे हैं। ये भी चीज़ हम समझ चुके हैं कि एयर बबल से सारे सेपरेट हो रहे हैं, सीक्वेंशनली जा रहे हैं, एक सेम पाथवे पे जा रहे हैं और एयर बबल से सेपरेट हो रहे हैं, बस यही लिखा है इसके अंदर। द प्रोपोर्शनल या फिक क्वांटिटी ऑफ सैम्पल एंड रिएजेंट वर्क डिटरमाइन देयर रिलेटिव फ्लो रेट विच इज़ कंट्रोल बाय प्रोपोर्शनिंग पंप। अब हमें कितनी अमाउंट में सैम्पल चाहिए, कितनी अमाउंट में रिएजेंट चाहिए, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, अभी हमने प्रोपोर्शनिंग पंप का वर्क देखा था, कितनी क्वांटिटी में आपको सैम्पल, कितनी क्वांटिटी में आपको रिएजेंट चाहिए, वो कौन आपका देख रहा है, प्रोपोर्शनिंग पंप आपका देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है। द क्वांटिटी ऑफ सैम्पल एंड रिएजेंट इज कंट्रोल बाय प्रोपोर्शनिंग पंप, या दोनों चीज़ सेम है, ये थोड़ा हार्ड में लिखा है, थोड़ा बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है कि जो क्वांटिटी है सैम्पल की रिएजेंट की वो कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रोपोर्शनिंग पंप कंट्रोल कर रहा है। मिक्सिंग ऑफ सैम्पल एंड रिएजेंट अकर्स व्हेन टू पाथवेज जॉइन टू फॉर्म अ कॉमन पाथवे। इसका मतलब यह है कि
सैंपल और रिएजेंट का मिक्सिंग कब होगा? जब ये दो अलग अलग पाथवे कॉमन पाथवे में मिल जाएंगे. ये दो अलग अलग पाथवे आ रहे हैं, जब ये कॉमन पाथवे पे मिल जाएंगे तब इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगा. द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड देयर फंक्शन आर एज फॉलोज. अब डिफरेंट पार्ट्स का क्या क्या काम है वो हम देखेंगे. सैम्पलर, इट होल्ड द सैम्पलर, जो ये सैम्पलर पोर्शन है वो क्या करेगा, सैम्पल को होल्ड करके रखेगा. प्रपोर्शनिंग पंप, इट रेगुलेट और कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ सैम्पल रिएजेंट एयर बबल एंड डायल्यूएट विच शुड बी पास टू द डायलाइजर. इसका मतलब ये है कि प्रपोर्शनिंग पंप क्या देखेगा कि हमें कितना सैम्पल चाहिए, कितने अमाउंट में सैम्पल चाहिए. प्रपोर्शनिंग पंप ये भी देखेगा कितना अमाउंट में रिएजेंट चाहिए, कितना अमाउंट में एयर बबल चाहिए, कितना अमाउंट में डायल्यूएट चाहिए. मतलब ये क्वांटिटी को कंट्रोल करके रखता है प्रपोर्शनिंग पंप. एयर बबल, इट इज़ यूज टू सेपरेट द सैम्पल एंड रिएजेंट विच विथ ईच अदर. एयर बबल का क्या काम है कि ये सैम्पल को रिएजेंट को एक दूसरे, मतलब सैम्पल को, ये सारे सैम्पल्स को एक दूसरे से अलग रख रहा है. यहाँ एयर बबल सारे रिएजेंट्स को एक दूसरे से अलग रखने का काम कर रहा है. नेक्स्ट है हमारा डायल्यूएंट, इट इज़ यूज फॉर डायल्यूशन ऑफ सैम्पल. हमें पता है कि डायल्यूएंट का क्या काम है, सैम्पल को डायल्यूट करने के लिए काम में आता है. रिएजेंट क्या, इट इज़ यूज टू फॉर्म अ कलर कॉम्प्लेक्स विद सैम्पल. रिएजेंट का वर्क हम सबको पता है कि जब ये एक सैम्पल के साथ मिलेगा तब क्या बनेगा, एक कलर्ड कंपाउंड बनेगा. इसलिए इसका ये यूज है एक कलर कंपाउंड बनाने के लिए. डायलाइजर का क्या काम है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच इज यूज टू सेपरेट द प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट फ्रॉम द सैम्पल. डायलाइजर का यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है जिससे हमें सैम्पल आया हमारे पास, अगर उससे हमें प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट चाहिए तो हम उसको डायलाइजर के अंदर मतलब इंसर्ट करवा देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एक प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट सैंपल मिल जाएगा. नेक्स्ट है हमारा हीटर, द रिएजेंट एंड द सैंपल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ कलर कॉम्प्लेक्स. इसके अंदर क्या होगा, जो रिएजेंट है और जो हमारा सैंपल है एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एक कलर कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. द फॉर्मेशन ऑफ कलर कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर स्पेसिफिक टाइम विच इज प्रोवाइडेड बाय द हीटर. हीटर का क्या काम है कि जो कलर कंपाउंड बनता है उसको बनाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर की और स्पेसिफिक टाइम की जरूरत होती है. तो ये स्पेसिफिक टेम्परेचर और टाइम हमें कौन देगा, ये हीटर देगा. फिर नेक्स्ट है हमारा कलरीमेट्री क्या है, या फिर देखिए ये पॉइंट रह गया, द हीटर प्रोवाइड इंक्यूबेशन कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर कॉम्प्लेक्स. या फिर हम कह सकते हैं जो हीटर होता है वो एक इंक्यूबेशन कंडीशंस हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है, क्या बनाने के लिए, कलर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए. नेक्स्ट हमारा कलरीमेट्री, इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द कलर कॉम्प्लेक्स. कलरीमेट्री हमें पता है क्या काम होता है, कलरीमेट्री मेजर करता है जो कलर कॉम्प्लेक्स बन गया वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन में बना है, कितना कॉन्सेंट्रेशन कलर कंपाउंड प्रेजेंट है. जितना कलर कंपाउंड प्रेजेंट होगा उतना हमारा क्या होगा, जो भी हम एनालाइट डिटेक्ट कर रहे हैं सैंपल के अंदर. फिर नेक्स्ट रिकॉर्डर, इट शो द रिजल्ट और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स सच एज क्रिएटिनिन प्रोटीन ग्लूकोज एक्सेट्रा. रिकॉर्ड का क्या है कि ये शो करेगा आपको रिजल्ट कि इसके अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है. कलरीमेट्री ने जो भी डिटेक्ट किया वो कौन शो करेगा, रिकॉर्डर शो करेगा. जैसे किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन आप हो सकता है क्रिएटिनिन का सैंपल लगा रहे हो, सकता है प्रोटीन का, जिसका भी आप सैंपल लगा रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन बता देगा. सो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूस फ्लो एनालाइजर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.